मार्वल स्टूडियोज का मून नाइट सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड बेहतरीन होता जा रहा है और चौथे एपिसोड ने तो ऐसा माइंड ब्लो किया है जहां पर रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क ही पता नहीं चल रहा है। और इन्हीं सब के बीच में बहुत ही बेहतरीन ईस्टर एग्स भी देखने को मिले थे जिन्हें आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस सीरीज को अब तक देखना शुरू नहीं किया है तो। जी हाँ, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं जिसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कोर फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की सबसे पहली शुरुआत होती है खोंशो की पत्थर की मूर्ति यानी उशाप्ति को प्लेस करने से, जहां पर ओसायरिस का अवतार उसे और ढेर सारे देवताओं के बीच में रखता हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि एनियाड के साथ साथ या एनियाड के पहले भी कई सारे देवता थे जिन्हें बैनिश किया गया हो, और क्या पता यहाँ पर मून नाइट और खोंशो उनकी भी हेल्प सीरीज के अंत तक लेते हुए दिखे। फाइनली आगे का सीन देखने को मिलता है जब लीला बहुत ही बैडएस तरीके से स्टीफन स्लैश मार्क की जान को बचाती है और दोनों जैसे तैसे करके एमिट के टूम तक पहुंचते हैं जिसका कोऑर्डिनेट उन्हें खोंशो और मिस्टर नाइट ने आसमान को मैनिपुलेट करके दिया था। यहीं पर हमें स्टीवन और मार्क के बीच में आइडेंटिटी की लड़ाई भी देखने को मिलती है, लेकिन टूम के अंदर जाते ही यहाँ पर लीला को शायद एक रिकम्बेंट लॉयन की झलक मिलती है जो बेसिकली लगभग 2500 BC के आसपास इजिप्ट के पिरामिड के गार्ड के रूप में सिंबलाइज करने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन ये प्रोबेबली यहाँ पर बास्त को भी सिंबलाइज कर सकती हैं जिनकी पूजा वकांडंस भी करते हैं। आगे जाकर हमें यहाँ पर आई ऑफ होरस का सिंबल देखने को मिलता है। अब ये सिंबल बेसिकली इजिप्शियन रिलीजन और माइथोलॉजी का एक सिंबल है जो बेसिकली प्रोटेक्शन, हीलिंग और वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है, और इसी से यहाँ पर लीला और स्टीवन को ये पता चलता है कि आमिट का अवतार एक्चुअली एक फैरो ही था जो उसकी आवाज था। वहीं पर आगे जाकर हमें यहीं पर हेका प्रीस्ट भी देखने को मिले जहां पर ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे और ये सीन बहुत ही ज्यादा ग्रूसम था, लेकिन ये हेका प्रीस्ट हो सकते हैं कि ये मार्वल के हेका नट का एक रेफरेंस हो जो मार्वल के अर्ली इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक सॉसरर था। फाइनली आगे जाकर यहाँ पर स्टीवन उस फैरो का मकबरा ढूंढी लेता है और वो फैरो बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट ही होता है जो 332 बीसी से लेकर 323 बीसी तक इजिप्ट का भी फैरो रह चुका है, और मार्वल यूनिवर्स के अंदर पॉसिबली वो एमेट का ही अवतार था और उसी के गले में एमेट की उशाप्ति को छुपाया गया था, और यही उशाप्ति एक तरीका हो सकता है जिससे यहाँ पर एमेट को जिंदा किया जाएगा। दूसरी ओर आर्थर हैरो लीला को उसके पिता की याद दिलवाता है और समझाता है कि उसका और उसके पिता का पुराना याराना था, और एक्चुअली यहाँ पर पोल खोल देता है कि उसके पिता की मौत के दौरान वहाँ पर मार्क स्पेक्टर भी मौजूद था जो बहुत हद तक मेरे पिछले बताए हुए वीडियोस के कॉमिक बुक के इंसिडेंट से सिमिलर है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स के नामों और उनकी एथनिसिटी को चेंज किया गया है, जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर ये दोनों व्हाइट कैरेक्टर्स हैं और इनका नाम मैरिलिन और उसका पिता पीटर ऑलरोन है, और यहाँ पर कॉमिक बुक के इंसिडेंट के दौरान भी मैरिलिन इजिप्ट में ही अपने पिता के साथ ही मौजूद थी। वहीं पर जब एथनिसिटी की बात हो रही है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जहाँ पर उसके पिता का नाम यहाँ पर अब्दुल्ला एल फूली बताया गया है जो कि मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर अब्दुल फूल से बहुत ज्यादा सिमिलर है जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर स्कारलेट स्कैरब के नाम से एक कैरेक्टर है, और पॉसिबली इस सीरीज के आगे या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में इस मेंटल को खुद लीला ही संभाले, क्योंकि इसका रेफरेंस हमें एपिसोड में आगे इस हॉस्पिटल वाले सीन में उसकी उंगली पर भी देखने को मिलता है। सीन में आगे जब मार्क को रोकने के लिए आर्थर और उसके ऊपर गोली चलाई तो एक्चुअली मार्क मरने के बजाय एक अलग ही रियलिटी पहुंच गया, जहां पर उसे पूरी तरह से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि उसकी लाइफ में आज तक जितना भी कुछ हुआ है वो बेसिकली उसके दिमाग का अपना वहन था, और वो बेसिकली इतने लंबे समय से मेंटल असाइलम में मौजूद था, और एक चीजी एडवेंचर मूवी टूम बस्टर के कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट से वो अपनी पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रांट के लिए इंस्पायर हुआ था, और आज तक उसने जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में इमेजिन किया था वो सब के सब इसी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स थे, और जितने भी यहाँ पर विलन्स थे उसे रोकने की कोशिश की थी वो सब के सब इस हॉस्पिटल के वर्कर्स थे, इंक्लूडिंग आर्थर हैरो जो इस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर लग रहा है। इस पूरे के पूरे एलिमेंट को 2016 के जेफ लेमायर के कॉमिक रन से उठाया गया है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर इस कहानी में डायरेक्टली एमिट ही इस मेंटल इंस्टीट्यूशन की हेड दिखाई गई थी, और शुरुआत में तो
माहौल और एस्थेटिक से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर ये सब कुछ एक्चुअली मार्क के ही दिमाग का फितूर था। एंड दिस मे बी अ स्पॉइलर, लेकिन इस कहानी के अंत होते होते ये बात पता चल गई कि सब कुछ खोंशु ने ही मार्क स्पेक्टर के दिमाग को तोड़कर उस पर कब्जा करने के लिए ही किया था, जहाँ पर मार्क अपने सारे के सारे आइडेंटिटीज पर काबू पाकर खोंशु को हरा ही देता है। लेकिन असलियत तो तब रिवील हुई जब मार्क भाग कर एक कमरे में छुपता है और वहां पर वो स्टीवन को एक इजिप्शियन टूम से आजाद करता है। जाहिर सी बात है, स्टीवन और मार्क एक ही रियलिटी में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते, और ये सब एक सबूत है कि सब कुछ उसके दिमाग के अंदर ही चल रहा है। आगे जाकर वो एक और टूम की तरफ देखते हैं जिसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मार्क और स्टीवन उसे बाहर नहीं आने देना चाहते। वेल, ये वही होगा जिसने दूसरे एपिसोड के अंदर सारे के सारे मारामारी फैलाई थी, और ये बेसिकली एक वायलेंट और पावरफुल पर्सनालिटी है जिसे दोनों अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहते। वेल, यहीं से भागते भागते उन्हें मिला पहला लुक लाइव एक्शन में गॉडेस टॉरेट का, जो इजिप्शियन माइथोलॉजी के अंदर बर्थ, प्रेगनेंसी और हेल्थ की देवी हैं। तो यहाँ पर पॉसिबली मार्क उन्हें इमेजिन कर रहा है ताकि वो उसे इस उलझन से निकालें, और बेसिकली यही सारी चीजों ने मिलकर अगले एपिसोड के लिए मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। तो गाइज, ये थे मून नाइट के एपिसोड 4 के कुछ बेहतरीन ईस्टर एग्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इस एपिसोड में और कौन कौन से ईस्टर एग्स को नोटिस किया था। हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।